आज सर हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है जो कि संगम वीआईपी घाट पर। आज सर फॉरेस्ट डे है, फॉरेस्ट को लेकर हम लोगों ने अपने आर्ट के माध्यम से ये सैंड आर्ट बनाया है कि जो कि पेड़ है और वो कटे हुए हैं, और दो हम लोगों ने हाथ बनाया है जो कि एक पृथ्वी को लिए हुए हैं कि वो सेब के रूप में हम लोगों ने बताया, क्योंकि पेड़ अधिक से अधिक काटे जा रहे हैं, अपने नेचर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आज ये लोग हम लोग और हमारे फाइन आर्ट जो जितने जूनियर हैं सबने साथ साइन आर्ट किया है और ये मैसेज दिया है। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता, इलाहाबाद विश्व वानिकी दिवस है। इस अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जिसमें विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्र हैं, इन लोगों ने संगम आर्ट के माध्यम से एक डिस्प्ले किया है, जिस डिस्प्ले के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कैसे वृक्षों को कटने से बचाया जाए, और जब वृक्ष रहेंगे तभी हमारी धरती रहेगी। धन्यवाद। नाम बता दो। रमेश चंद्र मिश्रा। बच्चों ने क्या उद्देश्य इसका? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, इसी उद्देश्य से को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए ये सैंड आर्ट बनाया है। इसमें हमने विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के बच्चों का सहयोग लिया है, और लोगों को जागरूक करने के लिए संगम के क्षेत्र में बहुत से लोग आते हैं, इसको देखेंगे तो हरियाली को बचाएंगे, पृथ्वी को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, इसी उद्देश्य से बनाया गया। रामानुज त्रिपाठी, उपप्रभागीय वनाधिकारी, फूलपुर, प्रयागराज।